गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? गला बैठ गया, आवाज़ ही नहीं निकल रही। हम जाओ, चलो चलती हूँ, ऊपर सारा काम पड़ा होगा, करती हूँ जाके। इतने दिन से आ नहीं पा रही थी गार्डन में, आज एक आध घंटे बैठी, ठंडी ठंडी हवा ली, बड़ा अच्छा लग रहा था। अभी हम लोग आरती में जाएंगे थोड़ी देर में। देखो कौन सी ऊपर जाके काम वगैरह की, 10 बजे के बाद नीचे सोसाइटी में आरती थी गणपति बप्पा की, तो वहाँ पे आई हूँ, आरती में शामिल हो जाऊँ, क्योंकि इतने दिन से नहीं आ पा रही थी। कपड़ा है ना, बहुत अच्छा है, थोड़ा संभाल के खेल ले। चलेगा ना उसमें, क्या जब हम उसमें रखेंगे यहाँ पर डेकोरेशन हटा रहे हैं प्रिंस और मम्मी। पापा तो चले गए, लेकिन सूना सूना हो गया। जब हो रही डेकोरेशन तो बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन जब हट रही है तो अंदर से बड़ा मन दुखी हो रहा है। पंडित जी अपना करके चले गए, जो भी होता है उनका काम हटाने का, अभी बाकी का है वो हम सब लोग हटाएंगे। टाइम बहुत लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान फैला हुआ है। पूजा का भी निकलेगा तो विसर्जन करवा देंगे उसका। मैं सुबह गाय को मोदक केला खिला के आई हूँ, और वो मंदिर का जो भैया बैठते उनको भी देके आई प्रसाद। पति देव बोल रहे हैं गाय को मोदक खिलाओ, प्रसाद रखा है, ये खिला दो, ये कर दो, वो कर दो। तो मैंने बोला तुम सो रहे थे ना, जब उसके पहले ही हम और मम्मी जाके आए मंदिर, हमें मत बताओ, हमें सब कुछ पता है, मम्मी ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था। पूरी और भिंडी कौन खाता है? भिंडी खाने का कितना मन था, बेटा खा ले बच्चा। यहाँ पर गणपति बप्पा की डेकोरेशन हटा रहे हैं हम लोग, और अभी तो पहले करने में टाइम लगा डेकोरेशन, अब हटाने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पर मम्मी लग कर रही है, और प्रिंस ने की, पंडित जी कर गए, मैं अपना घर का काम कर रही थी, मैंने नहीं किया, थोड़ा बहुत किया। और ये क्या कर रहे हैं? फालतू बैठे हो, हेल्प नहीं कर रहे किसी की। पति पत्नी की जो नोक झोंक चलती है ना, वो हमारी हमेशा चलती रहती है। मम्मी अपने दामाद की पक्ष ले रही है, मुझे डांट रही है, ऐसे क्यों बोल रही हो? तो मैंने बोला ये तो चलता रहता है हमारा। और बांटो मेरे कितना नीला आटा, इनका करें क्या? सेव रखो पड़ोस का पूरा ब्लॉक नहीं है ना, नीला बच्चा सब बांट दिए, इतना इतना कीड़ा है, चढ़ जाते हां, इतना अच्छा रहने तो इतना वो दिन में खा, मच्छर रहे दिन में, बस जाऊंगी मैं, इतने दिन से नहीं गया। 150 केला होगा ज्यादा, नारियल को छोड़ा दे, अरे वही भर दे, अगली बार क्या भर दे, ये मम्मी ये भी रख दो, तुम मम्मी के आने से कितनी हेल्प मिल गई मुझे, नहीं तो मुझे यहाँ बैठ के करना पड़ता, फिर मैं दूसरा काम नहीं कर पाती। तो यहाँ मम्मी पूजा का सामान छांट रही है, क्या सिरवाना है, क्या रखना है, क्या किसको देना है, तो हमसे ज़्यादा उन्हें आइडिया है। तो कम से कम बैठ के ऐसा सामान हटा देंगे तो मैं दूसरा काम कर लूँगी, मेरा समय बचेगा, काम भी जल्दी हो जाएगा। और एक झबला भर के निकला है पूजा का सामान, इसको ना सिरवा दूँगी या खुद जाऊँगी साथ में सिराने इनके। कौन सी चावल? ये जो टेबल पे कपड़ा बिछाया गणपति बप्पा के लिए बिछाया था, ये बड़ा प्यारा लग रहा है मुझे। इसको मैं कितने का लाई थी, शायद मेरे ख्याल से 370 रुपये का था, इतना सा कपड़ा लेते टाइम मुझे थोड़ा महंगा लगा, लेकिन बड़ा प्यारा लग रहा है। इसको हल्का सा पानी में निकाल के डालूंगी, साबुन वगैरह नहीं लगाऊंगी, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। देख सकते हैं आप हॉल की हालत क्या हो रही है, पूरा घर फैला फैला लग रहा है। लेकिन सच बताऊं, वापस बोल रही हूं, बड़ा बुरा लग रहा है, सूना सूना लग रहा है। पप्पा मेरे चले गए, एक दो दिन तो इतना रौनक थी घर में कि ऐसा लग रहा था कि घर से कहीं बाहर ही नहीं जाऊं, इतना अच्छा लग रहा था।
यहाँ पर गौरी ने फटाफट निकाली मशीन और लाई मेरा ड्रेस पटियाला। नानी प्लीज़ इसमें ना फटाक से फिटिंग कर दो जल्दी जल्दी, मैं डांस में पहनूंगी, नीचे बिल्डिंग में हो रहा है वो डांस का प्रोग्राम है वहाँ पे। तो मम्मी को फटाफट लेके बिठा दी। देखो नानी डांटेंगी नहीं ना, मम्मी डांटेगी क्योंकि काम के टाइम पे कर रही है। देखो कैसे बैठी आराम, जल्दी जल्दी फिटिंग कर दो मम्मी का ड्रेस पहन के, फिर मम्मी ना अपना सिलाई खोल लेगी, ये करती है। हो गई फ्री, अभी मैं इस वाले वीडियो का कर देती हूँ एंड। अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक कर देना।